हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं भंडारे वाली आलू की सब्जी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत ही मज़ेदार की ये सब्जी बनकर तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक ग्राइंडर जार लिया है और उसमें खाने की चम्मच से आधी चम्मच साबुत धनिया ऐड कर लेंगे और खाने की चम्मच से एक चम्मच सौंफ ऐड कर लेना है। साथ ही आधी छोटी चम्मच जीरा जाएगा। यहाँ पे जो सौंफ का क्वांटिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, क्योंकि इसी से सब्जी में खुशबूदार फ्लेवर आता है और साथ ही बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे हम दरदरा पीस लेंगे बिना पानी डाले हुए। अगर आपके पास इमाम दस्ता हो तो उसमें आप ये मसाले कूट के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल दरदरा हमने पीस के तैयार कर लिया है, इसे हम साइड रखेंगे। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई लिया है और उसमें दो बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। साथ ही एक चम्मच घी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को मिला के लिया है। अब इसमें एक पिंच हींग डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे हमने एक इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है और तीन हरी मिर्ची इसमें बारीक काट के डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मिर्च है वो अपने हिसाब से क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप मिर्च का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। और सभी चीज़ों को हमने 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, हमने थोड़ी देर के लिए सारे चीज़ों को भुनने के बाद अब इसमें कूटा हुआ मसाले ऐड कर लेंगे। जो हमने धनिया, सौंफ और जीरा कूटा था वो इस तरीके से ऐड कर लेना है। इसे भी 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो सारे मसाले भून जाने के बाद अब इसमें 2 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रफली काट लिया है टमाटर को और यहाँ पे टमाटर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये टमाटर है वो कम खट्टी वाली है, तो इस सब्जी में टमाटर से ही ग्रेवी बनती है, तो इसीलिए हमने कम खट्टी वाली टमाटर का इस्तेमाल किया है। साथ ही यहाँ पे हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक ऐड कर लिया है। नमक को भी अच्छे से टमाटर में मिक्स कर लेते हैं ताकि टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो नमक मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें सूखे मसाले जाएंगे। तो सूखे मसाले वो बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करनी है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर जाएगा, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। सब्जी में अच्छा सा कलर लाने के लिए अब इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। इससे सब्जी है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होगी, बस कलर के लिए हमने इसमें डाला है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट तक टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लिया है और जो भी खड़े टमाटर है उसे इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मैश कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। टमाटर को मसाले में मैश कर लेने के बाद अब इसमें आलू ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 400 ग्राम उबला हुआ आलू लिया है। आलू को हमने चंक्स में तोड़ लिया है, तो इस तरीके से चंक्स में तोड़ के ही डालना है सब्जी में। और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम करके मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि सब्जी में अच्छा सा फ्लेवर आए। तो यहाँ पे हमने 3 मिनट तक आलू को मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप पानी डाला है। इसमें पानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी है वो रख सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सब्जी को 3 से 4 मिनट तक पकने दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं 50% सब्जी है वो थिक हो चुका है। इसी स्टेज पे हम नमक को भी टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर नमक कम लग रही थी तो हमने आधी छोटी चम्मच और नमक ऐड कर लिया है। साथ ही फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हमने आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे, क्योंकि हमने मसाले जो ऐड किए हैं उसका फ्लेवर सब्जी में अच्छे से घुल जाए। और साथ ही आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी जाएगा, तो ये सारे जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा ये आलू की सब्ज़ी में। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए और सब्जी को लो फ्लेम पे पका लिया है। अब इसमें स्पेशल तड़का देंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल।
तो उसके लिए यहाँ पे हमने तड़का पैन लिया है और उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है, साथ ही आधी छोटी चम्मच जीरा जायका। आप यहाँ पे हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा है वो अच्छे से भुन चुका है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। उसके बाद आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद सब्जी पर इस तरीके से पौर कर देंगे और तुरंत कढ़ाई का लीड लगा देंगे ताकि तड़के वाली तेल का जो छींटे हैं वो ना उड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा भंडारे वाली बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी बनकर तैयार है बिना लहसुन और प्याज की। तो फ्रेंड्स मेरे इस तरीके से एक बार ज़रूर ये आलू की सब्जी बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो आप इस सब्जी को पूरी पराठे चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा।